नमस्कार। दोपहर के 12 बजे के साथ ही शुरू हो चुका है मिड डे। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजभवन के बुलावे के बाद भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक राजभवन नहीं पहुंचे। राज्यपाल के निर्देश पर राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल गोंथू ने के पाठक को पत्र लिखकर राजभवन बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन के पाठक राजभवन नहीं पहुंचे। राज्यपाल ने के पाठक का आधे घंटे तक इंतजार किया और इसके बाद राज्यपाल भी अपने निर्धारित कार्यक्रम के लिए राजभवन से निकल गए। तो बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन के बुलावे के बावजूद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक राजभवन नहीं पहुंचे। राज्यपाल के निर्देश पर राज्यपाल के प्रधान सचिव ने के पाठक को पत्र लिखकर राजभवन बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन के पाठक राजभवन नहीं पहुंचे। हालांकि राज्यपाल ने के पाठक का लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया और इसके बाद राज्यपाल भी अपने निर्धारित कार्यक्रम के लिए राजभवन से निकल गए। और शिक्षा विभाग के विवाद के बीच में राज्यपाल ने के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को राजभवन तलब किया था। सुबह 10 बजे का वक्त था, लेकिन के पाठक नहीं पहुंचे। दरअसल विवाद बहुत गहराता जा रहा है और शिक्षा विभाग के तरफ से जो मीटिंग की गई उसमें कई विश्वविद्यालय के वीसी रजिस्ट्रार को बुलाया गया था, लेकिन वीसी रजिस्ट्रार को मना कर दिया गया कि वो शिक्षा विभाग की मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे। उसके बाद राजभवन ने फैसला लिया कि राजभवन मीटिंग बुलाएगी और उसमें शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को, के पाठक को, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को बुलाया जाएगा, लेकिन के पाठक मीटिंग में शामिल नहीं हुए। साथ ही साथ के पाठक ने एक पत्र जारी कर दिया राज्यपाल के प्रधान सचिव के नाम, जिसमें ये कहा गया कि शिक्षा विभाग के काम में हस्तक्षेप राजभवन राज्यपाल के प्रधान सचिव न करें तो बेहतर होगा। उसके बाद राज्यपाल के तरफ से निर्देश मिलने के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को राजभवन तलब किया गया था, विशेष मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन के पाठक राजभवन नहीं पहुंचे और एक बार फिर से इस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो विवाद चल रहा है वो कब तक चलेगा। क्या पसंद सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज पटना, और सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच का विवाद पिछले कुछ महीनों से लगातार देखा जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बैठक बुला रहे हैं, तो बैठक में विश्वविद्यालय के अधिकारी नहीं पहुंचते हैं और जब के पाठक को राजभवन बुलाया गया, उन्हें तलब किया गया, तो के पाठक राजभवन भी नहीं पहुंचे। सवाल सीधा कि आखिर कब तक ये टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी? बिल्कुल, और इसी टकराव को टालने के लिए ही के पाठक को राजभवन बुलाया गया था। राज्यपाल के विशेष निर्देश पर जो राजभवन के प्रधान सचिव हैं उन्होंने एक पत्र जारी किया था और एक विशेष मीटिंग बुलाई गई थी ताकि के पाठक के साथ एक समझौता हो सके, बीच का रास्ता निकल सके, लेकिन आज भी के पाठक नहीं पहुंचे। और इससे पहले भी जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई उसमें भी के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, उस मीटिंग में भी के पाठक शामिल नहीं हुए थे। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों इस तरह की परिस्थितियां हो रही हैं और कैसे बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि राजभवन अपने रुख पर कायम है। वो जितने भी वीसी है, रजिस्ट्रार है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, उनको शिक्षा विभाग की मीटिंग में शामिल होने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ जब राजभवन मीटिंग बुलाता है तब शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी शामिल नहीं होते हैं, खासतौर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शामिल नहीं होते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि उच्च शिक्षा को लेकर के जो गतिरोध बनी हुई है, जो आशंकाएं बनी हुई हैं, कैसे परीक्षा कैलेंडर जो है नियमित किया जाएगा, कैसे कॉलेज नियमित रूप से चलेंगे, इन चीजों को लेकर के गतिरोध बना हुआ है और अभी तक बीच का रास्ता नहीं निकला है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे राजभवन के तरफ से
क्या विशेष दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और के पाठक का क्या फैसला होता है। चलिए बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।